ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। घुमिया के विधायक लंबोदर महतो ने निजी विश्वविद्यालय आरकेडीएफ और एमएटी विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना नहीं होने के बावजूद केवल डिग्री बेचने का आरोप लगाया है। अर्का जैन विश्वविद्यालय का विधेयक सदन में लाने पर लंबोदर महतो ने इससे अधिकारियों के बेटों के भागीदारी होने का दावा किया है। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की ओर से नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उस बिल्डिंग को जो अरबों की लागत से बना हुआ हम लोग दे रहे हैं, अर्का जैन महोदय, अर्का जैन यूनिवर्सिटी उसका जो ट्रस्ट है महोदय, कौन लोग है समय ये पता करने की आवश्यकता है महोदय। पता चलेगा कि अभी हम लोग कई लोगों पर हम लोग आरोप प्रत्यारोप कई सदन है महोदय, ये स्वास्थ्य चर्चा करने का विषय है महोदय। तो निश्चित रूप से अर्का जैन विश्वविद्यालय का ट्रस्ट या जो ट्रस्टी है महोदय, आप देखे होंगे तो झारखंड सरकार में शामिल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव या सचिव रहते हैं महोदय, उन्हीं के बाल बच्चे का ये एनजीओ महोदय, उन्हीं का बाल बच्चा का ट्रस्ट महोदय। अगर इस तरह से करेंगे तो महोदय ये सरकार को पता करने की आवश्यकता महोदय कि इस तरह से सरकार के पैसे का, सरकार के राजस्व का महोदय अपव्यय, तो मेरा निश्चित रूप से अनुरोध होगा। इसीलिए मानो महोदय ये प्रस्ताव लाया कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, प्रवर समिति इसको देखे बढ़िया से महोदय। निश्चित रूप से अरबों की लागत से बना हुआ ये झारखंड महोदय, अभी आप देखेंगे तो उड़ीसा और ये में इतने गवर्नमेंट कॉलेज बने हैं महोदय, हम लोग दो इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ, और उसको भी अगर सरकार पीपीपी बोर्ड या डायरेक्ट अपने से नहीं चला पाती तो महोदय झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्य हो महोदय। कई चीज में इसमें बोलना चाहूंगा महोदय, अभी हम लोग इसी सदन से महोदय लगभग 20 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आ चुका है महोदय, और महोदय ये बताते हैं आश्चर्य कि अभी भी जिसका हम लोग यहाँ से महोदय बिल पारित किए जो अधिनियम बना है महोदय, एक एक कमरे में चल रहा है महोदय। कई ऐसे नाम बताना कई ऐसे यूनिवर्सिटी जो कमरे में चल रहा, और महोदय अभी एक यूनिवर्सिटी का तो ये खेला 400 महोदय पीएचडी का डिग्री बांट रहा। महोदय पीएचडी का डिग्री बांटने के लिए नियम है प्रोफेसर होना चाहिए, महोदय प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। और जो प्रोफेसर महोदय हम लोग इसी सदन से पारित किया कि झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% नियोजन देंगे महोदय, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आया महोदय, कहीं ये जिक्र नहीं है कि हम 40,000 तक के जो पारिश्रमिक वाले हैं उनको 75% नियोजन देने का काम करेंगे महोदय, जबकि ये अनिवार्य है महोदय, ये अनिवार्य शर्त है कि जो झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% नियोजन देना, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल में महोदय ये नहीं। और सबसे ज्यादा दुखद है महोदय उसमें अगर गहराई से देखिएगा तो उसमें गवर्नर महोदय चांसलर होते हैं, और चांसलर को उसमें जो आप देखेंगे बिल में तो कहा गया कि विजिटर के रूप में आएंगे, गवर्नर विजिटर के रूप में महोदय आएंगे, गवर्नर चांसलर होते हैं महोदय, और चांसलर को अगर हम विजिटर के रूप में यह करके गवर्नर को भी अपमानित करने का काम करें महोदय। महोदय और बात करना चाहेंगे, अभी चाहे एक यूनिवर्सिटी का भी है महोदय 400 पीएचडी का डिग्री, और इसके पीछे खेल क्या है महोदय, एक पीएचडी कराने के लिए लोग 3.5 लाख से 5 लाख कर लेते हैं महोदय, तो आप 400 × 5 लाख जोड़ लीजिए, तो ये महोदय नॉलेज नहीं बांट रहे, ज्ञान नहीं बांट रहे महोदय, ये व्यवसाय का केंद्र बना है, डिग्री बांटने का काम कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और महोदय बताना चाहेंगे इसी सदन आपका एक अच्छा निर्णय आता महोदय, इसी सदन से आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो जिसका यहाँ से बिल पारित हुआ है, जिसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अनुमति दी है सरकार, उनका जांच करने के लिए एक समिति बनी है महोदय, उस समिति के प्रतिवेदन का इंतजार किया जाए महोदय कि किस स्थिति में जो जिस विधेयक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ से पारित हुआ है महोदय, हमारे किस स्थिति में महोदय, कई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग देख रहे जा रहे महोदय, एक एक कमरा में चल रहा, कोई प्रोफेसर नहीं है, कागज में यूनिवर्सिटी चल रहा है महोदय। और ये महोदय कम से कम हम लोग एक रिकॉर्ड नहीं बना कि झारखंड ऐसा कोई काम नहीं करे कि देश में हम लोगों की बदनामी महोदय, हम करोड़ों की लागत से अपना बिल्डिंग बना के प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देते हैं, पूरे देश में महोदय ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा महोदय। एक चीज बताना चाहेंगे कि कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी गाइडलाइन अगर हम लोग देखते हैं महोदय, तो उसके पास आधारभूत संरचना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, फैकल्टी होनी चाहिए, यूजीसी गाइडलाइन है महोदय कि ये गाइडलाइन के ही रहने पर उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मिलना। आज महोदय अभी भी कई जिसको हम लोग यहाँ पर दिए, हम नाम भी बताना चाहेंगे महोदय, आप आरकेडीएफ का देख लीजिए महोदय, एक छोटे से कमरा में यूनिवर्सिटी चल रहा है, एमबीटी का देख लीजिए महोदय, हम नाम 20 जीतते हैं लगभग, एक या दो यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई भी क्राइटेरिया नहीं कर रहा महोदय, यूजीसी गाइडलाइन हम लोग 20 दिए, और महोदय ये जानकर तारीफ है कि
जो ईजी से रेगुलेशन का 12B में एक भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेशन नहीं मिला महोदय। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्वालिटी को जांचता है यूजी से, वो आज दुर्भाग्य है कि पूरे झारखंड का एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये 12B में महोदय सर्टिफिकेशन नहीं मिला महोदय। हम लोग बात करते हैं अभी महोदय की यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रोफेसर ये जान के आ महोदय जो पढ़ा रहे हैं झारखंड के जो शिक्षित लोग पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर महोदय 10 से 15 हजार की ही सैलरी मिल रही है महोदय। किसी को भी जो UGC गाइडलाइन के हिसाब से कोई वेतनमान वगैरह नहीं मिल रही महोदय। और अभी महोदय अभी उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग का वो और खेला हुआ है महोदय, उसका मेरे पास संकल्प है महोदय। पहले पार्ट टाइम लोग पढ़ाते थे, ये देखने का जो पार्ट टाइम पढ़ाते कौन लोग है, कितने झारखंड के यहाँ के SC ST और OBC उसमें है महोदय, उन लोग को उपकृत करने के लिए अभी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एक संकल्प निकाला और सीधे सीधे कहता कि हम 55 से 60 हजार रुपया उन लोग को देंगे महोदय। तो ये मनमाना जिस तरह से हो रहा महोदय, ये बिल्कुल ही झारखंड राज्य के लोगों के हित में नहीं महोदय। दो तीन चीज जानना जरूरी है महोदय, हो गया कि जो महोदय एकदम महोदय एक चीज और बताना चाहेंगे, आ गया पूरा पूरी संशोधन एकदम एकदम महोदय इसी पर एकदम विषय से ही महोदय। अगर हम लोग देखे तो NBA की बात करें, NAACC की बात करें, ISA की बात करें, ICT महोदय सारे में निर्धारित किया हुआ कि क्या करना है, कैसे करना है, किस। और अभी तो एक अच्छा प्रयास कर रहा है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कि एक नियमावली बना रहा है कि उस नियमावली के तहत ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन मिलना। तो महोदय जो ये अंतिम स्तर पर है तो महोदय हम लोग क्यों नहीं इंतजार करें उस नियमावली का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।